रोडरेज मामले में 10.5 महीनों की सजा काटकर छूटे नवजोत सिंह सिद्धू गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। सिद्धू ने राहुल और प्रियंका से मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट में लिखा, आज नई दिल्ली में अपने मेंटर राहुल जी और मित्र दार्शनिक मार्गदर्शक प्रियंका जी से मुलाकात हुई। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं, मुझे धमका सकते हैं, मेरे सभी वित्तीय खातों को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और मेरे नेताओं के लिए मेरी प्रतिबद्धता ना तो झुकेगी और ना ही एक इंच पीछे हटेगी। राहुल और प्रियंका से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात के बाद से ही पंजाब के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता के समर्थक नई जिम्मेदारी सौंपने की बात कर रहे हैं, वहीं यह मुलाकात विरोधी गुट के लिए बेचैनी पैदा कर रही है। रिहा होने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू आक्रामक दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना गुस्सा राज्य और केंद्र सरकार के साथ साथ सीएम भगवंत मान पर ही निकाला है, लेकिन उनके हर कदम का पंजाब कांग्रेस में भी असर दिखने लगा है। नवजोत सिंह सिद्धू समर्थक एक बार फिर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, जो पंजाब प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। साल 2021 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की। तब सिद्धू उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। इसके बाद साल 2022 के दौरान हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। पार्टी को 117 सीटों में से सिर्फ 18 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।